नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से। विश्वविद्यालय सभागार में अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका। सेमिनार में पूर्व मंत्री रीवा विधायक ने CSP सहित TI को किया सम्मानित। जी हां, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका विषय पर आधारित गरिमा में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा अपराध के नियंत्रण में समाज के हर वर्ग की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए समाज में घटित हो रहे विभिन्न अपराधों के विषय पर व्यापक प्रकाश डाला एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशा नियंत्रण अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। इसके साथ ही समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए शासन प्रशासन को ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी न मानकर नैतिकता का विस्तार करने के लिए स्वतः की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करने की प्रेरणा दी गई। बता दें, पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा CSP शिवाली चतुर्वेदी एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा सहित डॉक्टर एवं वरिष्ठ जनों को किया सम्मानित। बने रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आपकी खबर, हमारी नजर। उपेंद्र कुमार पांडे स्थान लेखन क्रिया में राम लखन शुक्ला जी ने निरंतर सेवाएं। कार्यक्रम में प्रांतीय कलाकार संघ द्वारा अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका इस विषय पर एक सेमिनार किया गया, और जिस स्तर पर समाज में अपराध तीव्र गति से बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे वो नशा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, उसमें नियंत्रण के लिए समाज को आगे आने की आवश्यकता है। ऐसा मान करके हमारा जो प्रांतीय कलाकार संघ है, संगठन के सब लोगों ने बैठ के तय किया कि समाज के दायित्व को स्वतः निर्वहन के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग सुधारात्मक दृष्टिकोण में काम करें और देर सवेर निश्चित रूप से इसका फायदा समाज को मिलेगा। अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से जो युवा पीढ़ी आज नशे में लिप्त होती जा रही है और आए दिन बहुत सारे अपराध से जुड़ रहे हैं, उसमें सुधार होगा, ऐसी मान्यता है इस आयोजन की और संस्था की। हाँ, इस आयोजन में जिन लोगों ने सहभागिता निभाया, विशेष रूप से समय दिया उन्होंने, और साथ साथ उनका जो निजी कृतित्व है, समाज के क्षेत्र में अच्छा काम किया, विधि के क्षेत्र में अच्छा काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, ऐसे लोगों को सम्मान भी दिया गया इस अवसर पर, ताकि समाज को एक और प्रेरणा मिल सके अच्छा काम करने के लिए। आज प्रांतीय कलाकार संघ के तत्वाधान में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रबुद्ध वक्ताओं द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। निश्चित तौर पर स्थापित है कि समाज की भूमिका ही है जो अपराध को नियंत्रित कर सकती है। पुलिस की भूमिका जो है वो अपराध घटित होने के बाद शुरू होती है और पुलिस अपनी भूमिका निभाती है। यदि समाज का हर व्यक्ति चिंतनशील होगा, यदि हर व्यक्ति अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर नियंत्रण रखे कि वो गलत लत पर ना जाए, गलत रास्ते पर ना जाए, अपराध जगत में प्रवेश न करे, तो पुलिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आज सामाजिक ताना बाना जो कमज़ोर हुआ है, उसका ही परिणाम है कि अपराधियों में लगातार नशाखोरी बढ़ रही है, अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसी का चिंतन यहाँ किया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे आयोजनों से समाज को भी इस बात का चिंतन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, चिंतन का अवसर मिलेगा, और पुलिस को भी कहीं ना कहीं समाज से संबल और सहयोग प्राप्त होगा। मैं ऐसे कार्यक्रम की प्रशंसा करता हूँ, और इस कार्यक्रम में कुछ प्रबुद्ध लोगों का, डॉक्टर्स का और समाजसेवियों का सम्मान भी किया गया है। ये भी उन्हें समाज में अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो कि कहीं ना कहीं एक सभ्य और शांत समाज के लिए आधारशिला होगा। थैंक यू।